कोल्हापुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रही है। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर किया प्रहार, कहा विपक्ष ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इंडिया अघाड़ी पर भी किया प्रहार, कहा वोट बैंक राजनीति में इतना गिर गए हैं कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों को उससे मिल गए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर टाका डालने की तैयारी में। प्रधानमंत्री ने गिराया सरकार के काम, अब कहा पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तमाम ग्रुप्स बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा लोगों की मांग की वजह से वायनाड गए राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवारवाद पर किया बीजेपी का पलटवार, कहा किसी व्यक्ति से नहीं चलती कांग्रेस। अमेठी और रायबरेली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा गया फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दावों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, सजा पर रोक से किया इनकार। ऋषिकेश में रॉबर्ट वाड्रा ने साधा स्मृति ईरानी पर निशाना, बोले स्मृति ईरानी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बुनियादी है, बेबुनियादी और राजनीति में उतरने की भी उन्होंने बात कही। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 1500 से ज्यादा सिख समुदाय के लोगों ने ज्वाइन की पार्टी, राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में सदस्यता ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के 400 सीटों के नारे पर किया कटाक्ष, बोले 400 पार का नारा भूल गए मोदी। रांची में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को लगा झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर के अंदर गिरी ममता बनर्जी, चोट लगी। आसनसोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिखा अनोखा अंदाज, चुनावी सभा के दौरान ढोल बजा। मुख्यमंत्री ममता लोक कलाकारों के साथ मंच पर तिरकती हुई नजर आई, रैली में आई महिलाओं ने भी ममता के साथ नृत्य किया। वोटरों को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है दिल्ली का कुतुब मीनार, लेजर शो के माध्यम से संदेश। कुतुब मीनार परिसर में करवाए गए इस कार्यक्रम को जश्न मतदान का नाम दिया गया। कोटा में पहली बार निशुल्क का नए दृष्टिकोण वाला शिविर होगा आयोजन, 11 से 16 मई तक चलेगा शिविर। गुजरात के वडोदरा में अमित शाह का रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। गुजरात के भरूच में अमित शाह ने की रैली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बताया आदिवासी विरोधी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव प्रचार में जुटे, चुनाव रथ को किया लॉन्च, मुंबई नॉर्थ से लड़ रहे हैं चुनाव। रामपुर के झाखड़ी में कंगना रनौत और जयराम ठाकुर की चुनावी जनसभा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का प्रियंका से सवाल पूछा, क्या उनकी मां से मंगलसूत्र पहना भी था।